हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी हीरो फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ क्रिकेट के हिस्ट्री मेजरमेंट्स एंड रूल्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसे कि दोस्तों, मेरे चैनल में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे UPTGT हो, UPLT गेट हो, MP TET हो, DSSB हो, चाहे किसी भी स्टेट का TGT PGT हो, KVS MVS हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, MCQ चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट भी जाकर के आप टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का थ्योरी सेशन देख सकते हैं। डिटेल में हर एक चीजें समझाया गया है थ्योरी सेशन में, एंड डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो डेली प्रैक्टिस करना ना भूले। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? तो क्रिकेट का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। जैसा कि दोस्तों, क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल है, एंड क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट का बाइबिल इंग्लैंड की बिगडन पत्रिका को बोला जाता है, और उसी में सर्वप्रथम क्रिकेट का उल्लेख हुआ। नेक्स्ट है, विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी ICC की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 लंदन इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है, ICC का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मुख्यालय जो है वह दुबई यानी अबू धाबी सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों, इसको बोलते हैं BCCI, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BCCI। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, यानी हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में R.E. ग्रांट गोविल की अध्यक्षता में हुआ था। R.E. ग्रांट गोविल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर दिन्नी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। एंड इसके पहले सौरव गांगुली थे, लेकिन वर्तमान में रोजर दिन्नी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो R.E. ग्रांट गोविल थे। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो क्रिकेट को दोस्तों ओलंपिक में 1924 फ्रांस में प्रथम व अंतिम बार शामिल किया गया, उसके बाद कभी शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष कब हुई? तो दोस्तों, प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुषों की 1975 से शुरुआत हुई है। पुरुषों की विश्व कप प्रतियोगिता कब से शुरुआत हुई है? 1975 से, और महिलाओं का 1973 से, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम विश्व कप पुरुषों की 1975 इंग्लैंड में किया गया, जिसमें फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से पराजित किया था। एंड दोस्तों, जो 2019 में ICC विश्व कप हुआ था लंदन इंग्लैंड और वेल्स में, एंड अब जो 2023 का होगा क्रिकेट विश्व कप, वह भारत में होगा और यह इसका 13वां संस्करण होगा, और ये 50 ओवर का गेम होगा जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा 2023 में। 2023 में कहां होगा? भारत में।
एंड महिलाओं का दोस्तों महिला विश्व कप क्रिकेट अपना शुरुआत हुआ 1973 में इंग्लैंड में ही और इसको हावर्स कप भी बोला जाता है। महिला विश्व कप को हावर्स कप भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सलीम दुरानी को दिया गया था। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देश प्रेम आजाद को दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड पद्मा ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से है। एंड बीनू मांकर ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो ये भी है क्रिकेट से। एंड विजय मर्चेंट ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो है आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट है रोहिंगटन बॉयर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। नेक्स्ट है बिजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, बीनू वांकर ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रोहिंगटन बॉरिया ट्रॉफी, बिग्गी ट्रॉफी, ये सभी रिलेटेड हैं क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कलकत्ता क्लब बोला जाता है। और नेक्स्ट है भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब की स्थापना यानी कलकत्ता क्लब की स्थापना कब हुई, 1792 में। दोस्तों जो क्रिकेट है वो भारत में अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था 1721 में, और भारत की प्रथम क्रिकेट क्लब बना 1712 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इसको भारत में काफी लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से हुआ। नेक्स्ट है क्रिकेट में कितने नियम होते हैं, तो इसमें कुल 42 नियम होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्रिकेट गेंद का भार कितना होता है, तो 155.9 से 163 ग्राम होता है। दोस्तों जैसे कि हॉकी और क्रिकेट का भार सेम होता है, यानी कि क्रिकेट का भार होता है 155.9 से 163 ग्राम, लेकिन हॉकी का पूछता है तो 156 से 163 ग्राम, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है वह होती है 38 इंच। कितना होता है, 38 इंच, यानी कि 38 इंच का मतलब कितना हुआ, 38 यानी 96.3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है, तो बैट की चौड़ाई होती है 4.25 इंच। कितना होता है, 4.25 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो स्टंप 28 इंच होता है लंबाई, यानी 71.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्रिकेट में गिल्लियों की लंबाई कितनी होती है, तो जो क्रिकेट में गिल्लियां होती हैं दोस्तों स्टंप पर रखी होती है, तो गिल्लियों की लंबाई होती है यह आपका 4 इंच के लगभग होता है, यानी कि 11.1 सेंटीमीटर। कितना, 11.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्रिकेट में गिल्लियों की लंबाई तो हो गया आपका। नेक्स्ट है आठवें क्रम में जाकर लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो आठवें क्रम में जाकर लगातार 2 शतक लगाने वाला खिलाड़ी है हरभजन सिंह। नेक्स्ट है क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई होती है, तो लंबाई तो आपने जान लिया 11.1 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई होती है 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर होता है, और फिट में कहें तो 66 फिट।
नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है। तो पिच जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वह होता है 10 फुट। नेक्स्ट है क्रिकेट के अंदर बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो बॉलिंग क्रीज होता है वह 8 फीट 8 इंच का होता है, यानी 2.64 मीटर का। एंड उसकी चौड़ाई होता है 4 फुट। बॉलिंग क्रीज की लंबाई तो 8 फुट 8 इंच होता है यानी 2.64 मीटर और चौड़ाई 4 फुट यानी 1.22 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों पॉपिंग क्रीज और बैटिंग क्रीज दोनों की लंबाई होती है 6×4 फुट। कितना होता है 6×4 फीट पॉपिंग क्रीज और बैटिंग क्रीज दोनों की लंबाई चौड़ाई होती है 6×4 फीट। 6 फीट का मतलब 1.83 मीटर और 4 फीट का मतलब 1.22 मीटर। नेक्स्ट है क्रिकेट खेल में रिटर्निंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है। तो 1.22 मीटर होती है। नेक्स्ट है क्रिकेट टीम में कुल कितनी खिलाड़ी होते हैं। तो 15 से 16 खिलाड़ी होती है जबकि खेलने वाले मैदान में 11 होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिकेट में निर्णायकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट में जो होते हैं कुल 6 निर्णायक होते हैं। कितने होते हैं 6 निर्णायक होते हैं। तो इसमें 6 निर्णायकों में होते कौन कौन से हैं, जैसा कि क्रिकेट में 4 अंपायर होता है। कितने अंपायर होते हैं 4 अंपायर होते हैं, जिसमें से 2 अंपायर मैदान में मौजूद होते हैं और 1 अंपायर मैदान से बाहर टीवी स्क्रीन पर होता है जिसे थर्ड अंपायर बोलते हैं और अन्य में 1 रिजर्व अंपायर होता है। इस प्रकार से 4 अंपायर आपको होते हैं और 1 मैच रेफरी होता है और स्कोरर, कुल मिलाकर के 6 निर्णायक होते हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट व हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट व हॉकी दोनों में प्रतिनिधित्व किया है। तो वो है MJ गोपालन। नेक्स्ट है पाम ट्री हिटर के नाम से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। तो वो है पाली उमरीगर। नेक्स्ट है प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर बनी। तो प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी, अंजलि राजगोपाल। कौन बनी, अंजलि राजगोपाल प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंजलि राजगोपाल को याद कर लीजिएगा प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर के नाम से। नेक्स्ट है भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच कब और कहां खेला। तो 1974 में लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर थे। तो दोस्तों प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर थे DK नायक और JR पटेल। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर उपनाम से जाने जाते हैं सुनील गावस्कर। कौन जाना जाता है, सुनील गावस्कर जाने जाते हैं लिटिल मास्टर उपनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का मूल नाम है। तो क्रिकेट का मूल नाम था क्लब बॉल। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम है। तो वो नाम है आपका सचिन तेंदुलकर के नाम। नेक्स्ट है लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित प्रमुख स्थान है। तो यह क्रिकेट से संबंधित प्रमुख स्थान है और यह है इंग्लैंड में।
नेक्स्ट है फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट है प्रथम व द्वितीय विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो वो थे एस वेंकट राघवन। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने बनाने का श्रेय किसको मिला था, तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का श्रेय मिला था मोहम्मद असरफुल को, मोहम्मद असरफुल को। नेक्स्ट है एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो है डॉन ब्रैडमैन। यानी एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, डॉन ब्रैडमैन के नाम है। नेक्स्ट है मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता कौन सा देश था, मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 2020 विश्व कप क्रिकेट का पहला आयोजन किस देश में हुआ था, यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है नवंबर 2018 में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला देश कौन बना, तो 2008 में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला देश था भारत। नेक्स्ट है 8वीं विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन सा देश था, तो वह था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 8वीं विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन सा देश था, तो वह था भारत। नेक्स्ट है 8वीं विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था, तो रिकी पोंटिंग को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे दोस्तों, तो वो थे सीके नायडू, जिनके नाम पर सीके नायडू ट्रॉफी भी है क्रिकेट में। नेक्स्ट है भारत में पहला टेस्ट मैच कहां खेला गया था, तो वो खेला गया था मुंबई में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है किसको दोस्तों, सीके नायडू को। ठीक है, सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट है 8वें विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच कब खेला गया था, तो 23 मार्च 2003 को खेला गया था दोस्तों। 12वां क्रिकेट विश्व कप खेला गया था 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में, जिसमें इंग्लैंड विजेता था। नेक्स्ट है 8वें विश्व कप क्रिकेट का फाइनल कहां खेला गया था, तो जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है मेलबोर्न क्रिकेट मैदान कब बना था, तो दोस्तों मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो था वह 1787 इंग्लैंड लंदन में बना था, कब बना था 1787 बना था, यहां पे गलती दे दिया है, आप याद कर लीजिए मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, यहां मेलबोर्न नहीं है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना 1787 इंग्लैंड में लंदन में हुआ था। क्रिकेट के इतिहास का यह स्वर्णिम अध्याय था, यहीं से बहुत सारा चेंजिंग शुरू हुई। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2007 का शुभंकर था मेलो। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2011 का शुभंकर था स्टंपिंग। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2011 के निवेशक कौन थे, तो रत्नाकर सेठी थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसका है, तो है सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या था, तो बैजलर था। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर कितना है, तो वह है 42 रन न्यूनतम स्कोर एक पारी में बनाया गया टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट है आईसीसी के पहले अंडर 20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था,
तो पहले अंडर 20 विश्व कप का आयोजन हुआ था 1988 में, ये ध्यान में रखिएगा। विश्व कप क्रिकेट 2007 की विजेता टीम को कितने पुरस्कार राशि प्रदान किया गया था, तो 22.40 लाख डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, तो कपिल देव है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है नेत्रहीनों का पहला विश्व कप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीता था, तो वह जीता था दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है क्रिकेट में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से दिया जा रहा है, लेकिन इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम रखा है ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जिसमें अब इसमें 25 लाख राशि दिया जाता है। नेक्स्ट भारत के प्रथम वनडे कप्तान थे, तो वे थे एस वेंकट राघवन। नेक्स्ट है क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी किसे मारी, क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी किसने मारी, तो उमारे है लाला अमरनाथ ने। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम टेस्ट डबल सेंचुरी किसने बनाई, तो पाली उमरीगर ने। विश्व की प्रथम टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई पाली उमरीगर ने और प्रथम सेंचुरी मारी लाला अमरनाथ ने। डबल सेंचुरी किसने बनाई, तो पाली उमरीगर ने। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम खिलाड़ी जिसने वनडे में दोहरा शतक बनाया, तो वनडे में दोहरा शतक प्रथम खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, तो वह है मुथैया मुरलीधर। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, मुथैया मुरलीधर। नेक्स्ट है भारत की ओर से वनडे में सबसे पहली हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी है, तो चेतन शर्मा। वनडे में भारत की ओर से सबसे पहला हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी है चेतन शर्मा। नेक्स्ट टेस्ट की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई, तो वो है हरभजन सिंह। नेक्स्ट है T20 विश्व कप क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, तो वो है युवराज सिंह। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट स्पर्धा में सबसे पहले शतक किसके नाम है, तो वो है क्रिस गेल। नेक्स्ट है सबसे पहले T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो हर्षल गिब्स के नाम है। किसके नाम, हर्षल गिब्स के नाम है। तो T20 एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है युवराज सिंह में, और सबसे पहले T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है हर्षल गिब्स का। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला को टेक्सको ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टेक्सको ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला को टेक्सको ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी के उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो जो दिलीप ट्रॉफी जिसको दिया जाता है उसकी उपविजेता टीम को दिवेंचा ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट है सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है, तो सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को देवधर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो वह दिया जाता है रोहिंग गटर बारिया ट्रॉफी।
लिस्ट है अंडर 20 यानी कि 19 वर्ष से कम आयु के लड़की आयु के लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो वह कुछ बिहार ट्रॉफी दिया जाता है अंडर 20 के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए विजेता टीम को कुछ बिहार ट्रॉफी दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है अंडर 20 यानी कि 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की उप विजेता को कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है। विजेता को कुछ बिहार ट्रॉफी दिया जाता है, तो उप विजेता को सुंदर ट्रॉफी दिया जाता है अंडर 19 में लड़कों की। नेक्स्ट है अंडर 19 यानी कि 19 वर्ष से कम आयु की स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता के विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो सीके नायडू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है 15 वर्ष से कम यानी अंडर 15 के लड़कों की क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी दिया जाता है। ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महिला अंतर राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, तो दोस्तों महिला अंतर राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य की क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाले टीम को पद्मा ट्रॉफी दिया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है पद्मा ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट है अंडर 16 यानी 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग की अंतर राज्यीय प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, बीनू मांकर ट्रॉफी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये था क्रिकेट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे प्रैक्टिस कीजिए, चाहे थ्योरी सेशन हो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना हो, तो सब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए चैनल पे जुड़ जाइए। फॉर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।